वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। इस वीडियो को बाहर बैठ के बनाने का और आप सबको ये सारा का सारा बैकग्राउंड दिखाने का और साथ ही अगर नॉइज़ बीच में आ रहा है तो आपको सबको ये नॉइज़ सुनवाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि फाइनली आउट ऑफ क्वारंटीन। यार क्वारंटीन का टाइम बहुत बुरा था और बहुत बोरिंग भी था। आई नो कि आप लोगों के कमेंट्स आए हैं वीडियोस के नीचे कि आपकी क्वारंटीन हमारे लिए इसलिए अच्छी है कि वीडियोस आ रही हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रस्ट मी आई कम्प्लीटली डिसलाइक द क्वारंटीन। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। और आप सिर्फ ये इमेजिन करें कि एक कमरा है, उस कमरे के अंदर आप कह दें योर ओनली वे टू लुक आउटसाइड वर्ल्ड इज़ अ विंडो, एक खिड़की जो कि पूरी तरह से सील हुई है टॉप से बॉटम तक। दिन में 3 टाइम आपको घंटी बजा के खाना दे दिया जाता है, वो भी बाहर लग के चले जाते थे। उसके बाद आप दरवाज़ा खोलें, खाना उठाएं और अंदर आएँ। इट वॉज़ वेरी बोरिंग। और अजीब सी बात मेरे साथ ये हो रही थी कि स्लीप साइकिल बड़ा अजीब सा डिस्टर्ब हो गया था। आई मीन शुरू में आया तो मैं ठीक था, ठीक है थोड़ा बहुत जेट लैग होता है, लेकिन मैं रात को सो रहा था, दिन में उठ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो 1-2 घंटे बढ़ते बढ़ते 7 दिनों बाद बहुत ज़्यादा हो गए थे यार। 7 दिनों बाद सिचुएशन ये हो गई थी कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो रहा था और जोहर के टाइम पर जाके आँख खुलती थी, बल्कि जोहर की भी अजान होने के बाद ही आँख खुलती थी जाके। लेकिन थैंकफुली अल्लाह करके 24 तारीख को हम लोगों का क्वारंटीन ख़त्म हो गया। लेकिन क्वारंटीन इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुआ। क्वारंटीन ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमारा अगेन पीसीआर टेस्ट हुआ, ये डिटरमिन करने के लिए कि हम लोग जो है वो ठीक हैं या नहीं है। थैंकफुली वो पीसीआर का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव था एंड देन वी वर अलाउड। और फिर हमें बताया गया कि 24 तारीख को 6 बजे आप सुबह यहाँ से चले जाएंगे। और क्वारंटीन फैसिलिटी में हमारे ऊपर जो कोरियंस का इंप्रेशन पड़ा वो बहुत ही अजीब सा था। दे वर सो स्ट्रिक्ट, कैमरास लगे हुए, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, टू बैड। लेकिन क्वारंटीन के अंदर एक चीज़ थी जो कि बहुत अच्छी हुई थी, और वो अच्छी चीज़ ये थी कि अब्दुल सलाम साहब से मेरी वाकफियत, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी सैडली सो, क्योंकि हमें उल्सान आना पड़ गया, वो सियोल में रहते हैं। लेकिन अब्दुल सलाम ने ये किया कि उस बच्चे ने बेचारे ने हमारे लिए स्पेशली बिरयानी अरेंज की, स्पेशली उसने बिरयानी हमारे लिए डिलीवर कराई। लेकिन वो एक अलग बात है कि डिलीवर होने के बाद क्वारंटीन फैसिलिटी वालों ने वो बिरयानी वहीं पे रिसेप्शन पे रोक ली। उन्होंने कहा कि जी जो बंदे क्वारंटीन में हैं उनको खाना बाहर से नहीं आ सकता। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है यार अभी रख लो अपने पास, जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें दे देना। 1.5 दिन का टाइम ही था और सर्दी तो वहाँ पर वैसे ही ठीक ठाक थी, रात को टेम्परेचर वैसे ही -11 -12 हो रहा था। तो मैंने उनको कहा कि जी आप अपने पास फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख लें इसको, एटलीस्ट फ्रिज में आप इसको रख लें और फिर जब हम जाएँगे आप हमें दे दीजिएगा। और फिर 24 तारीख को सुबह 6 बजे कमरे की बजी घंटी, टेलीफोन की बेसिकली। और टेलीफोन पे हमें ये बताया गया कि हम लोग जाने के लिए और अपनी आज़ादी पाने के लिए तैयार हैं एंड इफ़ वी आर रेडी वी कैन डू सो। लेकिन बहरहाल वहाँ से आज़ादी भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। एक जगह पे मस्टर करें, वहाँ पे जमा हो, यहाँ पे जमा हो। बहरहाल खैर करके हम लोग अपनी बस में सवार हुए एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी टुवर्ड्स उल्सान। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एक चीज़ ये रह गई कि सियोल में बहुत पहले आया था। आई मीन इंचोन में एक दफ़ा बीच में आया ज़रूर था, लेकिन उस दफ़ा भी मैं कुछ ज़्यादा घुमा फिरा नहीं। लेकिन मेरी उससे पहले की जो यादें वाबस्ता थी ना सियोल के साथ, जब हम यहाँ पे आया करते थे इंचोन में और जो मार्केट्स वगैरह घूमा करते थे, मेरा इरादा था कि इस पर टाइम मिलेगा तो मैं वो ज़रूर करूँगा, बट दैट कुड नॉट हैपन क्योंकि हमारा शिप आ रहा है बेसिकली उल्सान, तो सियोल में हमारा काम कोई था नहीं। तो एजेंट ने फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट होटल अरेंज किया वो यहाँ पर उल्सान में था। होटल इज़ नाइस, होटल इज़ गुड, अच्छा बेड है, बाथटब है, वॉशरूम है, हर चीज़ जो कि एक अच्छी यूजुअल आपको दी जाती है, सब की सब है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी और अहम चीज़ ये है कि आज़ादी है। और फिर उसके बाद जब 24 तारीख को हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो फिर डेफिनेटली अपने सारे के सारे क्रू को कोविड के बारे में हिदायत देने के बाद और डेफिनेटली ख़ुद भी उनको एडहेयर करने के बाद हमने कहा कि जी हम आज उल्सान दबा के घूमेंगे। और फिर हम उल्सान दबा के घूमें और इतना दबा के घूमें कि जब शाम को हमारे टांगों में सख्त दर्द हो रहा था। PSL का मैच देखने का इरादा था क्योंकि फ़र्स्ट एलिमिनेटर था उस दिन, कल की बात है ये बेसिकली। लेकिन फ़र्स्ट एलिमिनेटर से पहले 10:30 बजे ही बस ईशा की नमाज़ पढ़ के तो हम ICC TV चला के और सो गए। और एलिमिनेटर फिर हमने देखा आज सुबह उठने के बाद। सफ़र हमारा सियोल से लेके इंचोन तक का बहुत अच्छा था। सियोल से जब हम आगे आए और हमें एक जगह पर रुकने का मौका मिला तो पब्लिक बस में से ऐसे निकल के बाहर आई ना, खुशी की इंतहा। 7-8 दिन बाद इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग, बड़ा मज़ा आ रहा था बाहर निकल के। इट वॉज अ स्ट्रेंज फीलिंग दैट आई वॉज एक्सपीरियंसिंग ऑन दैट डे दैट आई हैड नेवर फेल्ट बिफोर। पहले कभी ये फीलिंग मुझे देखने को नहीं मिली। लेकिन 24 तारीख को बड़ा मज़ा आया। सियोल से लेके इंचोन तक का रास्ता पूरे 300 किलोमीटर का है। पूरे रास्ते में मोटरवे बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसी हमारी लाहौर से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से पेशावर या वो मुल्तान की मोटरवेज़ बनी हुई है, बिकॉज सेम कंपनी ने बनाई हुई है डेबू ने। और एग्जैक्टली वैसे ही सीन्स हैं। मुझे पूरे मोटरवे में मैं बार बार काशिफ और गयास को यही कह रहा था, मैंने कह रहे थे बिल्कुल वैसे ही मोटरवे लग रही है जैसे अपने पास है, एग्जैक्टली सेम सीन्स, पहाड़ आ रहे हैं। और हाँ, एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये थी कि बीच में जब हम सियोल से निकले ना बाहर, तो जो फ्रेश वाटर की लेक्स थी और जो फ्रेश वाटर के चश्मे थे वो फ्रीज़ हुए हुए थे बिकॉज इट वॉज सो कोल्ड। तो बहरहाल रास्ते में तो हमने कहीं पर गाड़ी नहीं रोकी क्योंकि वी वॉन्टेड टू कम टू आवर डेस्टिनेशन, लेकिन देखने का मज़ा बढ़ा रहा था। और स्पेशली जो इस्लामाबाद से पिशावर वाली मोटरवे है ना, और जो उसके रास्ते में सीन्स आते हैं खूबसूरत से ब्यूटीफुल, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही सीन आ रहे थे यहाँ पे। तो एटलीस्ट कम से कम इस मोटरवे ने हमारी कुछ तो यादें ताज़ा की। फिर रास्ते में हम दो दफ़ा और रुके, एक दफ़ा नाश्ता करने के लिए क्योंकि क्वारंटीन फैसिलिटी वालों ने हमें सुबह का नाश्ता नहीं दिया था, बहुत ही कंजूस लोग थे यार। तो बहरहाल रास्ते में स्टॉप ओवर पर रुक के, बिल्कुल वैसा ही स्टॉप ओवर था जैसे हमारे यहाँ मोटरवेज के ऊपर होता है। मोटरवे पर रुक के हमने डंकिन डोनट से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का चीज़ सैंडविच बनवाया, डंकिन डोनट से हमने डंकिन डोनट्स लिए, साथ हमने ली कॉफ़ी और फिर आराम से बस के अंदर सुकून से बैठ के खाया। और दूसरी बार जब हमने मोटरवे पे स्टॉप ओवर किया तो वो इसलिए था कि किसी ने अगर फ्रेशअप वगैरह होना है तो वो जाए और फ्रेशन अप होकर आ जाए, जिसने सिगरेट सिगरेट पीनी है वो जाके सिगरेट पियाए। तो दो स्टॉप ओवर्स के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पे उल्सान। और फिर उल्सान में आने के बाद अगेन टू मिस्टर अब्दुल सलाम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें जो बिरयानी दी हुई थी वो हमने यहाँ पे ना सिर्फ ये कि गर्म करवाई और ना सिर्फ ये कि हमने खाई बल्कि हमने पूरे क्रू को खिलाई। बहुत ही अच्छी बिरयानी थी, बड़ी मज़ेदार बिरयानी थी और बहुत ही वाफिर मकदार में थी। इट वॉज़ क्वाइट अ लॉट। मैं सरप्राइज़ रह गया, मैंने कहा इस बच्चे ने इतनी ज़्यादा बिरयानी हम लोगों के लिए अरेंज कर दी है। लेकिन फ़ायदा फिर उसका ये हुआ कि मैंने फिर सारे क्रू को बिठाया, अपने सारे फिलिपिनोज़, इंडियंस, पाकिस्तानी, हमने कहा भाई सब बैठो, बिरयानी गर्म करते हैं और बिरयानी खाते हैं। और फिर हम लोगों ने उल्सान के अंदर बैठ के बिरयानी इंजॉय की तकरीबन 8 दिन के बाद। और मज़ा आ गया यार पाकिस्तानी फूड खा के, आई मीन खाए हुए अरसा हो गया था, ज़ुबान तरस गई थी। और 24 तारीख को फिर इस तरीके से हमें दो खुशियाँ मिली, एक तो क्वारंटीन से रिहाई और आज़ादी, और दूसरी ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई बिरयानी। ज़बरदस्त किस्म की बनी हुई बिरयानी, साथ में फिर रायता भी। दोपहर को बिरयानी ने ना मज़ा ताज़ा कर दिया, मज़ा दोबाला कर दिया, इनफैक्ट सही वर्ड अगर मैं यूज़ करूँ तो। उसके बाद उल्सान में हमने घूमने फिरने के लिए एक नया प्लान डिवाइस किया, और वो प्लान ये था कि 7-8 दिन से हम लोग जो एक खाली वाशरूम से बिस्तर और बिस्तर से वाशरूम तक का सफ़र कर रहे हैं ना, उसने हमारी सारी उमंगों पे, उम्मीदों पे पानी फेर दिया था, जिसम बड़ा अजीब सा हो रहा था। तो हमने फैसला ये किया कि वी विल वॉक ऑन फुट, हम पाँव के ऊपर चलते हुए जाएंगे और कम से कम अपनी वॉच को मौका देंगे कि वो फिटनेस को ट्रैक करे। खैर फिटनेस तो वॉच ने क्या ट्रैक करनी थी, लेकिन हमें खुद बड़ा मज़ा आया यार। इतना जो हम घूमे फिरे ना उल्सान के अंदर, तकरीबन 4-5 घंटे हम लोग जो है वो ऑन फुट घूमते रहे। और हमने ये तहिया किया हुआ था कि जो मर्ज़ी हो जाए, हमने कोई टैक्सी वैक्सी बस नहीं लेनी, हमने पहिया पहिया चलते हुए जाना है। और पहिया पहिया चलते हुए फिर हमने उल्सान के काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स की सैर की, काफ़ी सारी जगहों पे हम जाके बैठे, बाहर पार्क में बैठे, ठंड ठीक ठाक है बहरहाल अभी भी, बट वी इन्जॉयड इट। गयास को अलबत्ता सर्दी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मौसूफ का ताल्लुक़ कराची से है, और आपको पता है कि फिर जब बंदे का ताल्लुक़ कराची से हो तो सर्दी उसके लिए ज़्यादा काबिल बर्दाश्त होती नहीं है। लेकिन बहरहाल उसने भी बर्दाश्त किया और हम लोगों के साथ सैर सपाटा किया। वो अलग बात है कि वो बेचारा टोपी शोपी लगातार उसने पहनी हुई थी, बट वेल डन गयास, यू डिड अ गुड जॉब। बाकी मैं और काशिफ इज़ बाय द वे चीफ ऑफिसर, मैं और काशिफ हम दोनों लाहौर से हैं तो हमें फिर भी थोड़ी बहुत आदत है, लेकिन गयास को बेचारे को आदत नहीं थी ज़्यादा सर्दी की, बट ही सर्वाइव्ड। शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमारे चीफ इंजीनियर साहब अभी तक जिंदा जावेद हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारे तकरीबन 2 दिन और हैं और हमने एक दिन प्लान ये किया है कि हम उल्सान का पूरे का टूर करेंगे। इफ़ आई डू दैट, If I'm successful in doing that, if somehow that plan goes through, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, why not। अपने Instagram हैंडल के ऊपर मैंने काफ़ी सारी तस्वीरें ऑलरेडी पोस्ट कर दी हैं, जो नहीं पोस्ट की वो भी इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा, आप देखिएगा, हो सकता है आपको शायद मज़ा आए। और फिर आगे की अपडेट ये है कि हमारा शिप जो कि बिल्कुल न्यूली बिल्ट है वो ऑलरेडी इट्स ऑलमोस्ट रेडी फॉर टेकिंग ओवर, लेकिन आई थिंक 2 दिन हमें और लगेंगे एंड सून इंशाल्लाह आई विल बी बैक ऑन द शिप। और मैं तो वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट है ना, मैं तो उससे बात कर रहा था, मैंने कहा यार बात सुनो मेरी, कहता क्या, मैंने कहा जल्दी जहाज़ को निकालो बाहर। कहता क्यों, क्या हुआ, मैंने कहा हम क्वारंटीन से तंग आ गए, इतना इंटरनेट हमें नहीं चाहिए, हम इंटरनेट के बगैर जहाज़ पे गुजारा कर लेंगे। आई वॉन्ट टू बी ऑन माई शिप डूइंग समथिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग नथिंग। 7 दिन नकारा आदमी बिल्कुल यार, टू बैड। टू बैड। बहरहाल आई विल कीप यू पोस्टेड एंड आई विल कीप यू अपडेटेड। मीन टाइम अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे जिसमें मैंने इजिप्ट से साइन ऑफ किया था, काफ़ी पहले की बात है, देखी किसी ने भी नहीं थी, तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। और अगर उसके बाद जो मैंने साइन ऑन दोबारा किया था वो भी इजिप्ट में किया था, आप उसकी वीडियो देखना चाहें तो वो वीडियो लिंक होगी यहाँ। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। With tons of love to my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar, आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।